नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आएगा पूरा शेड्यूल। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली यूएई पहुंचे। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में है। शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका के साथ सीरीज के लिए दूसरी टीम इंडिया श्रीलंका में है। वहीं बीसीसीआई आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों की तैयारी में जुटी हुई है। बीसीसीआई का पूरा फोकस इस वक्त आईपीएल 14 के शेष मैचों को कराने पर है। आईपीएल के बचे हुए मैच सितंबर में लेकर अक्टूबर तक यूएई में होंगे। इसका ऐलान बीसीसीआई पहले ही कर चुका है, लेकिन अभी तक पूरे शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली यूएई पहुंच गए हैं। इसके संभावना है कि जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। बीसीसीआई ने अभी कुछ ही दिन पहले T20 विश्व कप के लिए ग्रुपों का ऐलान किया था। इसमें बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान विश्व कप के लिए एक ही ग्रुप में रहने वाले हैं। इसी बैठक में शामिल होने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ओमान से सीधे यूएई चले गए हैं। वो आईपीएल के आयोजन को लेकर तैयारियों का जायज़ा लेना चाहते हैं। इंसान पोस्टर्स की रिपोर्टर के अनुसार यूएई में एक दफ्तर भी बनाया गया है ताकि सारी चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखी जा सके। हालांकि इस बीच दिक्कत ये पेश आ रही है कि यूएई में भारत समेत अनेक देशों से आने वाली फ्लाइट पर फिलहाल रोक लगा दी है। वैसे तो ये रोक 21 अप्रैल तक थी, इसलिए लेकिन अब बढ़ाया जा रहा है, वो 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। रिपोर्टर के अनुसार कुछ शर्तों के साथ यूएई जाना जा सकता है, लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए आईपीएल टीमों में अधिकारी सभी तक यूएई जाकर वहां के हालात नहीं देख पाए हैं। शायद यही कारण ये है कि बीसीसीआई ने अभी तक आईपीएल की फाइनल तारीखों और पूरे शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। इस वक्त सभी क्रिकेटर फैंस इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही जल्द शेड्यूल घोषित हो, ताकि वो इसी के हिसाब में अपना भी कार्यक्रम तय कर सके।